हे दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त इंजीनियर कुमार मनीष स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में। दोस्तों जॉब इंडिया को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। बगल का बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर देना पल पल की ऑफिशियली नोटिफिकेशन के लिए। जी हाँ दोस्तों, यूपी एनएचएम भर्ती 2021 सीएचओ भर्ती के लिए आज 18 मार्च की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिल्कुल ऑफिशियली न्यूज है। इसमें दोस्तों मैं आपको प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ। मामला हाईकोर्ट पहुँच गया है। आयुष डॉक्टर भी चयन के लिए गए थे हाईकोर्ट। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1800 पदों पर होगी भर्ती। 18 मार्च सुबह सुबह की बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिल्कुल ऑफिशियली जीएनएम के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहां पे निकल के आ रही है। तो दोस्तों आपको सारी जानकारी यहां पे देने वाले हैं, तो हमारे साथ बने रहिए। जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करिए। आपके लिए बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है, बिल्कुल ऑफिशियली। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, सारी जानकारी देंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा दूँ, तो यहाँ पे जो है आप लोग देखिए लखनऊ सिटी मेन पेज, जो कि आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हैं, पेज नंबर 3 पर आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी। अमर उजाला, शासन प्रशासन और कर्मचारी, इस तरह से लखनऊ बृहस्पतिवार 18 मार्च 2021, 18 मार्च बृहस्पतिवार लखनऊ, और पेज नंबर 3 पर आपको पूरी न्यूज मिल जाएगी। मैं आपको पूरी कटिंग दिखा रहा हूँ यहाँ पे, इस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं। आज के ही यहाँ पे अमर उजाला में पब्लिश किया गया है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1800 पदों पर होगी भर्ती। तो इस तरह से जो है आप लोग देख सकते हैं, पूरी न्यूज यहाँ पे निकल के आ रही है। तो दोस्तों मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया है, चलिए मैं आपको दिखा दूँ पूरी न्यूज यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल ऑफिशियली। आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, तो हमारे साथ बने रहिए, पूरी जानकारी देंगे। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 1800 पदों पर होगी भर्ती। अमर उजाला ब्यूरो लखनऊ, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम ने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की नियुक्ति की न्यूनतम योग्यता को बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर दिया है। अब सीएचओ के पद पर जीएनएम आवेदन नहीं कर पाएंगी। एनएचएम ने 1800 सीएचओ के पद का विज्ञापन 13 मार्च को जारी किया है। आवेदन की अंतिम तिथि 19 मार्च दोपहर 12 बजे तक है। वर्ष 2019 में प्रदेश में स्वास्थ्य उप केंद्रों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के रूप में उच्चीकृत करते हुए कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैनाती शुरू हुई थी। इसके लिए 7 मई 2019 को लगभग 6000 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इनमें से जुलाई 2019 सत्र के लिए 2805 और जनवरी 2020 सत्र के लिए 3195 सीएचओ भर्ती होनी थी। सीएचओ पद पर आवेदन के लिए उस दौरान जीएनएम और बीएससी नर्सिंग को आवेदन का मौका दिया गया था। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं, बोला जा रहा है कि जब 2019 में जो कि 6000 वैकेंसियाँ थी, जिसमें जीएनएम को और बीएससी नर्सिंग को दोनों को यहाँ पे जो है आवेदन का मौका दिया गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए, जिसकी नियुक्ति के लिए एक लिखित परीक्षा का आयोजन किया था, इसमें सफल अभ्यर्थियों को इग्नू से पंजीकृत कम्युनिटी हेल्थ की 6 माह की एक ट्रेनिंग भी कराई गई थी। लगभग 2 साल बाद एक बार फिर स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर सेवाएं मुहैया कराने के लिए 1800 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की तैनाती होनी है, मगर इस बार आवेदन का मौका सिर्फ बीएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग उत्तीर्ण को ही मौका दिया गया है। इस बार ब्रिज कोर्स की जगह सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ भी अनिवार्य किया गया है। इसके चलते हजारों प्रशिक्षित जीएनएम सीएचओ बनने से वंचित रह जाएंगे। राजकीय नर्सेस संघ के महामंत्री जो हैं अशोक कुमार ने बताया कि जीएनएम को आवेदन का मौका ना देना पूरी तरह से गलत है। वह इस मामले में निदेशक एनएचएम से मुलाकात करके न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में बदलाव की मांग करेंगे। तो नंबर वन, इन्होंने जो बोला है कि जो एनएचएम के निदेशक हैं उनसे जो है मुलाकात करके जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है, क्वालिफिकेशन है, उसमें बदलाव का जो है बदलाव के लिए बात करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो हाई कोर्ट जाएंगे। ये बिल्कुल ऑफिशियली अपडेट है, ऑफिशियली न्यूज है। सबसे पहले जो है यहाँ पर निदेशक से बात किया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं।
वह इस मामले में निदेशक एनएचएम से मुलाकात करके न्यूनतम शैक्षिक योग्यता में बदलाव की मांग करेंगे। अगर ये नहीं होता है तो ऑप्शन टू यहाँ पे जो है हाई कोर्ट जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, हाई कोर्ट जो है बहुत ही तेज़ी से एक्शन लेता है, क्योंकि यहाँ पे जो है न्यूज़ में बोला गया है, आप न्यूज़ देख सकते हैं, आयुष डॉक्टर भी चयन के लिए गए थे हाई कोर्ट। प्रदेश के आयुष डॉक्टर भी सीएचओ के रूप में स्वास्थ्य उप केंद्रों पर तैनाती की मांग कर चुके हैं। इसके लिए आयुष डॉक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में वर्ष 2019 में एक याचिका भी दाखिल की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीएचओ ब्रिज कोर्स का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दिया था। तो यहाँ पे जो है आप लोग खुद देख सकते हैं, न्यूज़ में पब्लिश की गई है कि जो आयुष डॉक्टर हैं वेलफेयर एसोसिएशन, उन्होंने जो है हाईकोर्ट में वर्ष 2019 में एक याचिका भी दाखिल की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने सीएचओ ब्रिज कोर्स का परिणाम घोषित करने पर रोक लगा दी थी। एसोसिएशन का दावा था कि भारत सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक बीएएमएस या बीयूएमएस चिकित्सक भी सीएचओ पद के लिए लायक हैं। जब आयुष डॉक्टर ना मिले तब नर्सिंग संघ का चयन किया जाए। हाईकोर्ट ने इस मामले में आयुष डॉक्टर्स के पक्ष में एनएचएम के सकारात्मक रूप को देखते हुए याचिका का निस्तारण किया था। एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेश योगी का कहना है कि वह इस मामले में एक बार फिर से कोर्ट की शरण में जाएंगे। तो अभी यहाँ पे जो है यह मामला लगभग जो आयुष डॉक्टर हैं जो बीएएमएस हैं, देख सकते हैं आयुष डॉक्टर और जीएनएम दोनों का यहाँ मामला जो है हाई कोर्ट में जाने वाला है। तो ये बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बट सबसे पहले यहाँ पे जो है बोला गया है कि जो जीएनएम का यहाँ पे जीएनएम राजकीय नर्सेस संघ के जो महामंत्री हैं अशोक कुमार, इन्होंने बोला कि सबसे पहले हम जो है निदेशक एनएचएम से मुलाकात करके जो क्वालिफिकेशन है इसमें चेंज करवाएंगे। अगर ये हो जाता है तो हम हाईकोर्ट नहीं जाएंगे, नहीं तो हमें जो है हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। बिल्कुल दोस्तों, हाईकोर्ट जो है यहाँ पे सख्त रुख लेती है और यहाँ पे एक्शन भी लेती है, साथ ही रिजल्ट को भी रोका जा सकता है, साथ ही भर्ती भी यहाँ पे कैंसिल हो सकती है, पूरी तरह से भर्ती भी कैंसिल हो सकती है। जी हाँ, तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। देख सकते हैं न्यूनतम अर्हता बीएससी नर्सिंग व पोस्ट बीएससी की नर्सिंग जो कि 19 मार्च दोपहर 12 बजे तक आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन बिल्कुल फ्री है, ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है। इसमें प्रशिक्षित जीएनएम इस बार नहीं कर पाएंगे आवेदन। तो ये पूरा मामला यहाँ पे जो है निकल के आ रहा था। अमर उजाला ब्यूरो की तरफ से यह न्यूज पब्लिश की गई है। दोस्तों आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट कर दो, कोई भी सुझाव है आप लोग नीचे कमेंट कर देना, मैं आपके साथ हूँ, जीएनएम के साथ हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, नीचे आप लोग कमेंट कर दो। थैंक यू दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।